नमस्कार, मैं राजकुमार कटारिया और आज हम बात करते हैं 2019 लोकसभा चुनाव के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में इस बार मतदान 7 चरणों में हुआ है, जिसका परिणाम 23 मई को आने वाला है। सभी पार्टियों की दावेदारी के बाद टीवी चैनलों पर दिखाए गए एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए सरकार दोबारा सत्ता में आ रही है। अभी हाल ही में एनडीए के अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में अपने सभी घटक दलों को डिनर पार्टी में बुलाकर अपनी जीत की संभावना जताई है और बताया जा रहा है कि ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बैठक इतनी महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि एग्जिट पोल में एनडीए सरकार दोबारा सत्ता में आ रही है। अब देखना ये है कि क्या एनडीए सरकार दोबारा सत्ता में आ पाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनडीए ने चुनाव के परिणाम आने से पहले ही अपनी जीत की दावेदारी पक्की कर ली है और इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ देखते रहिए स्टार मीडिया नाउ।